الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کا یہ موطا امام مالک کا पांचवा दर्स है जामिया अनवारिया हैदराबाद इंडिया की जानिब से ये मुनाकिद किया जा रहा है. आज जिस गुफ्तगू को हम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है वजू से. तो इन्होंने बाब बांधा है बाबू इब्तिदाइल वजू, बाबू इब्तिदाइल वुजू, वुजू के इब्तिदा का बाब, यानी वजू के इब्तिदा में क्या करना चाहिए शुरू में, उसका उन्होंने बाब बनाया है. तो अब यहां पर ये जो वुजू लफ्ज है वाऊ के पेश के साथ अगर आप बोलेंगे अल वुजू वाउ के पेश के साथ, तो इसका मतलब होता है जो हम नमाज के लिए करते हैं मुंह हाथ पैर वगैरह जो धोते हैं ना, जिसमें चार फराइज हैं उसको बोलते हैं. और अगर उस पे हम वाउ पे जबर लगा के बोलेंगे वजू, तो उसके माने होते हैं वुजू करने के लिए जो पानी लिया जाता है उसको बोलते हैं. तो वजू करने के लिए, तो अब हम लोग उर्दू में क्या बोलते हैं, वजू वजू नहीं बोलते, वजू वजू बोलते हैं. तो दरअसल वो अरबी में अगर उसके माना देखा गया तो जो नमाज के लिए वजू किया जाता है उसके लिए जो पानी इस्तेमाल करते उसको वजू बोलते, वाऊ के जबर के साथ और वाऊ के पेश के साथ, वो वजू जो नमाज के लिए की जाती है.